सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर फ्रॉम आवर बुक फर्स्ट फ्लाइट। द चैप्टर नेम इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस कहानी के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड जो पार्ट है हमारी इस स्टोरी का वो है ब्लैक एरोप्लेन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिस पार्ट इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। द स्टोरी बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी इज एन अकाउंट ऑफ ए यंग बर्ड दैट इज अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो कहानी है एक यंग बर्ड की है जो पहली बार उड़ने से डरता है, उसी के बारे में इसके बारे में बताया गया है। ही बिलीव्स, उसे विश्वास है दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि वह विश्वास करता है, उसे उम्मीद है कि उसके जो पंख हैं उसे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग्स, इसके बावजूद उसके जो छोटे बहन भाई हैं फ्लाइंग फियरलेसली बिना किसी भय या डर के उड़ते हैं विद मच शॉर्टर विंग्स, छोटे छोटे पंखों के साथ। ही कुड नॉट गैदर द करेज टू डू द सेम, लेकिन वह ऐसा करने का साहस नहीं उठा पाता है। ही वॉज पनिश्ड टू स्टे हंगर इफ ही डिड नॉट ट्राई, और उसे कहा जाता है कि उसे सजा दी जाएगी भूखे रहने की अगर वो ऐसी कोशिश नहीं करता है तो। Thus it was his mother that compelled him to fly, ये उसकी माँ ही थी जिसने उसे compel किया उड़ने के लिए by using food as a trap, एक भोजन का प्रयोग करके जाल के रूप में। The lesson reflects how one hesitates to take the first step, ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति किस तरह से पहला कदम उठाने में हिचकिचाता है। And that fear is all in the mind, और ये भय केवल मस्तिष्क में होता है। One should trust one's abilities, हमेशा हर व्यक्ति को अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ, क्योंकि किसी भी कष्ट के भय से अच्छा है कि आप उस कष्ट को खुद सहन कर लें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी इज अबाउट ए यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। ये जो कहानी है His first flight, Liam O'Flaherty के द्वारा लिखी गई है, जो एक यंग सीगल के बारे में है, who is afraid to fly, जिसे उड़ने से काफी डर लगता है। All his younger siblings, despite their much shorter wings, इसके जो छोटे बहन भाई हैं, उनके पंख छोटे होने के बावजूद, flew fearlessly, वो बिना किसी भय के उड़ गए, while he could not gather the courage to trust his own wings, लेकिन वह अपने पंख पर विश्वास करने के लिए पूरा साहस इकट्ठा नहीं कर पाया था। The young seagull became sad. Young seagull बहुत दुखी हुआ when he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying. जब उसने देखा कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई बहनों को उड़ने की कला में पारंगत कर रहे हैं, उन्हें परफेक्ट बना रहे हैं। His parents scolded. उसके माता पिता ने उसे डांटा फटकारा and taunted him, उस पर ताना भी कसा for not even trying, कोशिश ना करने के कारण। They even call him a coward. यहाँ तक कि उन्होंने उसे कायर कहकर भी बुलाया। They tell him a lot to at least try, उन्होंने उसे कहा कम से कम कोशिश तो करो, and also threatened him to leave him alone and hungry, और उसे धमकी भी दी कि हम अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और तुम्हें भूखा भी मरने देंगे, if he does not so, अगर ऐसा नहीं करता है तो। The following day he is left in the isolation and upon feeling hungry, अगले दिन वह बिल्कुल एकांत हो गया और उसे काफी भूख महसूस हो रही थी। He tries to seek the attention of his family members, वह कोशिश करता है कि उसके परिवार के सदस्य उसकी ओर ध्यान दें। Only his mother, केवल उसकी माँ थी who is withering a fish in attempt to eat it, जिसे उसकी माँ एक मछली को खाने की कोशिश कर रही थी। Notices his son और अपने बेटे पर ध्यान देती है। The young seagull cries, जो युवा सीगल है वो चिल्लाता है out of starvation, भूख के कारण, hoping his mother would help, इस उम्मीद में कि उसकी आवाज को सुनकर उसकी माँ अवश्य उसकी मदद करेगी। On seeing his mother come to him with the fish, उसकी माँ को मछली के साथ आए हुए देखकर he got excited, वह excited हो जाता है। But on noticing that his mother stopped midway, लेकिन वो देखता है कि उसकी जो माँ है बीच रास्ते में आकर रुक जाती है। He gets maddened out of hunger, वह भूख के कारण पागल हो जाता है and take a dive at the fish, और एक dive लगाता है मछली को पकड़ने के लिए। Forgetting for a moment, एक क्षण के लिए भूल जाता है that he is afraid to fly, कि उसे उड़ने से डर लगता है। Finally, he took his first flight, इस तरह से उसने अपनी पहली जो उड़ान है उसने भरी,
ऑल द फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, परिवार के सभी सदस्यों ने उसकी इस विजय का आनंद उठाया बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ तालियां बजाकर नाचते हुए। ही ऑल्सो अटेम्प्ट्स एंड फ्लोटिंग इन द सी, वह समुद्र में भी तैरने की कोशिश करता है। एंड ही वॉज वंस अफ्रेड ऑफ, एक बार तो उसे डर लगा था। दस ही ओवरकम्स हिज फियर, इस तरह से वह अपने भय पर काबू पा लेता है। एंड रियलाइजेस, और उसे महसूस होता है दैट इट इज ऑल इन द माइंड, कि ये सब कुछ उसके पहले से ही मस्तिष्क में था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द टेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द चैप्टर नंबर 3। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, पुराने समय से ही, ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काइज, आसमान सॉरी मनुष्य की उम्मीद रहती है कि आसमान को जीत लेने की। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ उड़ान से संबंधित दो कहानियां बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक यंग सीगल जिसे उड़ने से काफी डर लगता है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, वह अपने भय पर किस तरह से विजय पाता है। सेकेंड वन इज द ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट जो कि तूफान युक्त बादलों में खो जाता है। Does he arrive safe? क्या वह वहां सुरक्षित पहुंचता है? Who helps him? और वहां सुरक्षित पहुंचने में उसकी मदद कौन करता है? So we will read out in these two stories. So let's start first story, his first flight. The young seagull was alone on his ledge. Ledge का मतलब होता है a narrow horizon, एक सकड़ा सा किनारा। The young seagull was alone in his ledge. His two brothers and his sister had already flown away. उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ चुके थे, the day before, एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. उसे उनके साथ उड़ने से डर लग रहा था। Somehow, किसी तरीके से, when he had taken a little run, जैसे ही उसने थोड़ी सी उड़ान भरी, forward to the brink of the ledge, उस लेज के किनारे तक, and attempted to flap his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, he became afraid, तो वह बिल्कुल भयभीत हो गया। The great expanse of sea stretched down beneath, और विशाल विस्तृत समुद्र उसके नीचे फैला हुआ था। It was such a long way down, बहुत लंबा रास्ता था, miles down, काफी मीलों दूर। He felt certain, उसने निश्चित महसूस कर लिया that his wings would not never support him, कि उसके जो पंख हैं वो उसे कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। So he bent his head, इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुकाया, and ran away back to the little hole under the ledge, और लेज के नीचे जो बना हुआ छोटा सा बिल था वहां जाकर वापस से छुप गया। Where he slept at night, जहां वह रात को सोता था। Even when each of his brothers, यहां तक कि उसका प्रत्येक भाई and his little sister, उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, उसकी तुलना में जिसके पंख काफी छोटे थे, ran to the brink, वे भी किनारे की तरफ दौड़कर गए। Flapped their wings, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, and flew away, और वे उड़ गए। He failed to muster up courage. Muster up का मतलब होता है to gather, नहीं इकट्ठा करना। वह साहस इकट्ठा करने में असफल हो गया। To take that plunge, उस छलांग को लगाने में, which appeared to him so desperate, जो उसे काफी निराशाजनक दिखाई दे रही थी। His father and mother had come around. उसके माता पिता उसके आसपास आए, calling to him shrilly, और उसे तेज और तीखी आवाज में कहा। Shrilly का मतलब होता है sharply. S-H-A-R-L-P-L-Y, श्रीली, श्रीली means sharply, यानी तीखी आवाज में उसे कहा। Upbraiding him, upbraiding का मतलब होता है rebuke करना, डांटना। Upbraiding him, उसे डांटा फटकारा, threatening उसे धमकाया, to let him starve on his ledge, कि उसे अपने किनारे पर ही भूखे मरना होगा, unless he flew away, जब तक कि वह उड़ता नहीं है। But for the life of him, he could not move, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए उसने बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। That was 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात थी। Since then, nobody had come near him. उसके बाद से उसके पास कोई नहीं आया था। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents, एक दिन उसने अपने माता-पिता को देखा, flying about with his brothers and sister, अपने भाई-बहनों के साथ उड़ते हुए, perfecting them in the art of flight,
उड़ने की कला में उन्हें पारंगत करते हुए, टीचिंग देम उन्हें सिखाते हुए हाउ टू स्किम द वेव्स की किस तरह से लहरों को छूते हुए निकल जाना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश किस तरह से मछली के साथ छलांग लगा मछली के लिए छलांग लगानी है। ही हैड इन फैक्ट वह यहाँ तक कि सीन हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को देखता है कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट अपने हिलाना मछली को पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक एक चट्टान पे खड़े होकर व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड जबकि उसके माता पिता चारों तरफ उसके इकट्ठे हो गए रेजिंग ए प्राउड केकल एक तेज कें कें की आवाज उन्होंने निकालना शुरू किया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मट वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवर्डेस और उनका पूरा परिवार सामने वाले बड़ी चट्टान पर खड़े होकर उसे पूरे दिन उस पर ताना कसता रहा और उसका उपहास करता रहा उसकी कायरता का। द सन वॉज नाउ एस्केंडिंग द स्काई अब सूरज जो था आसमान में ऊपर की ओर चढ़ रहा था ब्लेजिंग ऑन हिज लेज और वह अपने ही किनारे पर चमक रहा था दैट फेस द साउथ ही फेल्ट द हीट उसने उसे भूख महसूस हुई बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज वह धीरे धीरे कदम उसने लेज की ओर बढ़ाए एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरे टांग को उसने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई उसने एक आंख बंद की देन द अदर उसके बाद उसने अपनी दूसरी आंख भी बंद कर ली एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लिप और सोने का बहाना करने लगा स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम अभी भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स sunk into their necks. He saw, उसने देखा, his two brothers, अपने दो भाइयों को, and his sister, और अपनी बहन को, lying, लेटे हुए, on the plateau, चट्टान के किनारे, dozing with their heads, और वे उबासियां ले रहे थे, with their heads sunk, अपने सिर को छुपाकर, into their necks, गर्दन में. His father was preening, उसके पिताजी प्रयास कर रहे थे, the feathers on his white back. Only his mother was looking at him, केवल उसकी माँ थी जो उसकी तरफ बार बार देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. वह एक छोटे से चट्टान के एक तिकोने से किनारे पर खड़ी हुई थी उभरे हुए भाग पर। Her white breast thrust forward. उसका जो सफेद हिस्सा थोड़ा आगे की ओर बढ़ा। Now and again she tore a piece of fish. उसने एक मछली का टुकड़ा तोड़ा that lay at her feet, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। And then स्क्रैप्ड ईच साइड उसके बाद उसे रगड़कर उसने चमकाया ऑफ हर बीक ऑन द रॉक चट्टान पर अपनी चोंच को। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम भोजन के दृश्य को देखकर वह पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टियर फूड दैट वे उसे इस तरह से किसी भी भोजन को काटना या फाड़ना कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट और उसने वापस से अपनी चोंच को रगड़ा और उसे पैना बनाया। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड वह गा गा कहकर अपनी माँ को बुलाने लगा कि उसके लिए कुछ भोजन लेकर आओ। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली डेरिसिवली मीन्स मॉकिंगली उपहास करते हुए बट ही kept calling plaintively, लेकिन मैं दुखपूर्वक चिल्लाता रहा एंड आफ्टर ए मिनट एक मिनट के बाद और सो ही uttered a joyful scream, उसने एक तेज चीख निकाली। His mother had picked up a piece of the fish, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया and was flying across to him with it, और उसके साथ उसकी तरफ दौड़कर गई। He leaned out, वह झुक गया eagerly, उत्सुकतापूर्वक tapping the rock with his feet, और वह थपथपाने लगा चट्टान को अपने पैरों से। Trying to get nearer to her, वह अपनी माँ के समीप जाने की कोशिश कर रहा था as she flew across, जैसे ही वह उड़कर उस किनारे पर आई। But when she was just opposite to him, जब उसके सामने थी, she halted, वह रुक गई, her wings motionless, उसके जो पंख थे वो स्थिर हो गए। The piece of fish, मछली का जो टुकड़ा था in her beak, उसकी चोंच में, almost within reach of his beak, लगभग उसकी चोंच की पहुंच तक जा चुका था। He waited a moment in surprise, उसने कुछ क्षण के लिए इंतजार किया, wondering आश्चर्य, why she did not come nearer, कि वह और उस निकट क्यों नहीं आई,
एंड देन मैडल्ड बाय हंगर, भूख से पागल, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने जोर से छलांग लगाई मछली की ओर। विद ए लाउड स्क्रीम, तेज चीख से, ही फेल आउटवर्ड्स, वह आगे की ओर गिरा, डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, खाली स्थान पर नीचे। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तभी एक विशाल भय ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो दिल है वो बैठ गया। ही कुड नॉट हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन कुछ क्षण के लिए ही हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो आगे की तरफ फैल गए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, उसके ब्रेस्ट फेदर के अगेंस्ट में हवा चलना शुरू हुई। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पैरों के पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों के अगेंस्ट में। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने देखा कि उसके विंग्स के जो टिप्स थे, किनारे थे, वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह आगे नहीं बढ़ रहा, गिर रहा था। ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे की ओर, कभी बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे थोड़ा सा सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसके बाद उसने अपने पंखों को एक बार और फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 गॉल ओ, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ ने उसके पीछा किया। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके जो पंख थे वो तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर अनदर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को अपनी दूसरी चीख से जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद उसके पिता भी उसके ऊपर चीखते हुए उड़ान भरने लगे। ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कि उसके दो भाई और बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, करवेटिंग, उछल कूद कर रहे थे, एंड बैंकिंग, तिरछी उड़ान भर रहे थे, एंड सॉरिंग, ऊपर की ओर आसमान में उड़ान भर रहे थे, एंड डाइविंग, और डुबकियां लगा रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, उसके बाद में पूरी तरह से भूल गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह कभी भी उड़ पाने में समर्थ नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, उसके बाद उसने प्रशंसा की। एंड सोर एंड कर्व श्रिंग श्रीकिंग श्रीन, तीखी आवाज में चिल्लाते हुए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के निकट था। फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधे उड़ते हुए, ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ही सा ए वास्ट ग्रीन, उसने एक हरा भरा समुद्र देखा बीनीथ हिम, अपने नीचे, विद लिटिल रिजेस, छोटे छोटे किनारों के साथ, मूविंग ओवर इट। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, उसने अपनी चोंच को मोड़ा साइडवेज, एंड कॉर्ड एम्यूजली, और खुशी से काँव काँव करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके सामने जो हरा भरा जो फ्लोरिंग था उस पर उतरे। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, वे इशारा करके बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को टिकाया हरे भरे समुद्र पर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर उसमें डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, पर डर से थोड़ा चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वापस से उसने अपने पंखों को फड़फड़ा कर उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, भूख से काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाया। एग्जॉस्टेड, काफ़ी थक चुका था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस अजीब से अभ्यास के द्वारा। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे हरे भरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसके बाद उसके पेट ने उसे पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब और ज़्यादा डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी पूरा परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिज स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंचे हैं वो उसे डॉग फिश के टुकड़ों को ऑफर कर रहे थे। ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने पहली बार अपनी उड़ान भरी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 3। इफ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन, then you can contact to me on my personal number or text me. Till then, thank you very much.